वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो। तो मेरे यूट्यूब में आप सबको वेलकम है। हमारी वीडियो है ना, वो भी ऑनलाइन के बारे में है। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाओ, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, लेकिन एक बात आज मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये वीडियो आप मेरे साथ आखिर तक देखिए और मेरा लड़कियां अपने कमरों में बैठ के ऑनलाइन वेबकैम के सामने फाश पोर्नोग्राफी वाली हरकतें कर रही हैं और पैसे बना रही है पाकिस्तान में। आपको पता है, ये करंट स्टैट्स बता रहा हूं आपको। ऑनलाइन पोर्न स्टार है पाकिस्तानी मुसलमान बच्चियां। ये क्यों पैसे पैसे बनाने चाहिए? कितने पैसे चाहिए जी दुनिया में? बया इतने पैसे चाहिए यार, करोड़ों की बातें, अरबों की बातें होंगी घरों में। तो नीचे बच्चे फिर बना के दिखाएंगे आपको करोड़ अरब। हमारे परदादाओं ने दिवालियां ऐसी मनाई है, बाजे लेके औरतों को सामने जा जाके छेड़ते होते थे। मैं आपको सबूत देता हूँ, परदादा नहीं उनके परदादा भी ऐसी थे। ये पूरी कौम में ये मसला शुरू से रहा है। हजरत अबू उबैदा ने जब बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान पे आए थे ना, तो उन खिताब आप क्या समझ रहे हैं कि छोटा वाक्य है? उम्र की पूरी दुनिया में हुकूमत और पाकिस्तान में नहीं की उन्होंने। कभी सोचा इस बारे में कि पूरी दुनिया पे हुकूमत उमर बिन खत्ताब की, 85% इनहैबिटेड अर्थ के ऊपर उमर बिन खत्ताब जो थे ना वो हुकुमरान थे, सिवाय पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान पे, उनकी बाउंड्री थी पाकिस्तान पे। उन्होंने यहां पे आके सहाबी ने खत लिखा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये हालात हैं इधर। थोड़ा सुने उस वक्त के खत के अंदर हालात क्या थे कि जना सेलिब्रेट किया जाता है इधर। ताकत जिस लेवल की भी ताकत एक बंदे को आती है, वो अपने से कमजोर बंदे के ऊपर ताकत आजमा लेता है। एक औरत इस तरीके से खाई जाती है जैसे यहां पे तस्वीर में पेश हो रही है। 19-20 उन्होंने ऐसे नुकात बताए जो ऐसे लगता है कि इस 14 अगस्त के हैं, ठीक है, यस्टरडे के हैं, क्या पता आने वाले के हों। जरदारी दौर के हैं, नवाज शरीफ दौर के हैं, इमरान खान दौर के हैं। ऐसे अगर मैं वो सहाबी का नाम हटा के अपना नाम लगाऊं ना कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, तो आप कहेंगे हाँ तो ऐसे ही है ना पाकिस्तान, ठीक है। तो अब उमर खत्ताब ने फिर क्या जवाब दिया उनको कि लकीर खींच और नॉर्थ की तरफ फिक्र का रुख कर, इतने मेरे पास टाइम नहीं, वी विल डील विद दिस लेटर, आई हैव अदर हेडेक्स टू वरी अबाउट। ये है हमारे सक्कर दादाओं के करतूत जो कि अभी हम पूरे कर रहे हैं। सो इट्स अ आजादी। मैंने कहा ना कि पहले वाले गुलामों को पता था किसके गुलाम हैं, हम वो गुलाम हैं जिनको ये नहीं पता कि कौन सा हक़ है हमारा। वी आर ओबेइंग द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स डिटरमिंड बाय द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पीपल, उनकी हम चार्टर की गुलामी करी जा रहे हैं और अपने आप को उस चीज के अंदर नऊज बिल्ला इस एरोगेंस के साथ साबित करते हैं कि लॉजिकल भी हम हैं, आइंस्टाइन भी हम हैं, टॉम क्रूज भी हम हैं, और मतलब हर चीज के बेस्ट एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर आ गए हैं और आगे से ठट्ठे उड़ाते हैं दूसरों के पटे। देख, इन लोगों के अंदर सेंस ही नहीं है, ये पेंडू हिजाब करके आई हुई है, इसको तो अल्लाह ने दिया ही नहीं बस लोगों को। मुझे तो एक बंदे ने कहा, यार ये आप इतनी दुनिया पूरी फिर रहे हैं, ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं आप, पूरी दुनिया की साइंस की डिग्रियां आपके पास है, ये आपने क्या पेंडुओं वाले काम शुरू कर दिए हैं? ये पांच पांच बार नमाज पढ़ते रहते हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हैं पेंडू, पेंडुओं वाले काम ही है बस। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ तो तफरीक हो तेरे और मेरे में, तो मुझे पेंडू ही समझ यार। मेरे दरमियान में अपने इस मतलब है कि दरमियान में दीवार तो कहीं थी कि कहते नहीं कौन से शहर में चला गया, पॉम्पी से आया मेरा ख्याल है, जो जो शहर इन्होंने बनाया था अपना, अपने करतूत करने पूरे करने के लिए। इट्स अ प्रॉब्लम, कहीं और बात चली जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, गुलामी नबी अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स को अपना अल्लाह बना लिया है? अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में, आयत सुना रहा हूं आपको, उस शख्स को देख जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना के बैठ गया। कोई अकवाले जरी नहीं सुना रहा, कोई नसीहत नहीं है, किसी ज़ईफ हदीस या किसी साहबी का कौल नहीं सुनाया आपको, आप कहें और इसकी सनद दिखाओ, कुरान की आयत सुनाई आपको कि तू उस शख्स को देख जिसने नफ्स को अपना रब बनाया हुआ है, उसकी ताबेदारी ऐसे करता है जैसे कि मेरी ताबेदारी करने के लिए कुरान पकड़ा इसने। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वेयर वेयर ऑन द सेंटर टेबल ऑफ द लिविंग रूम, जब माँ बाप सेंटर टेबल ऑफ द लिविंग रूम जो डिस्कशन करते हैं ना, जहां पे वो हीरो डिक्लेयर होता है, वो वाला हीरो नीचे बच्चे फॉलो करते हैं, मैंने वो बन